और मैं हूँ शिहान कुमार राम, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हम आपके लेकर आए हैं कि अगर आपके साथ में लड़कियों के साथ में जो होता है कि अगर किसी के साथ में रेप हो रहा है तो उस तरह से अपनी इज्जत को बचाने के लिए किस तरह से निकलेंगे वहाँ से। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने से आपको नॉलेज मिलेगा, हमारी वीडियो को रैंक मिलेगा। जब भी कोई भी वीडियो देख रहे हैं उसको प्रैक्टिस करना है बहुत ज़्यादा। बिना प्रैक्टिस किए हुए आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। पहला तो ये प्रैक्टिस करना है। दूसरा, एक वीडियो देखने से मतलब एक टेक्निक करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जितना आपके पास टेक्निक ज़्यादा से ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अच्छा आप दुश्मन पर हावी हो सकते हैं। तो आपको यही ट्राई करना है कि हमेशा कि अपने दुश्मन पर हावी होने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास में हथियार और टेक्निक ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ताकि आप उसको ख़त्म करें और निकल पाएँ वहाँ से। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए क्योंकि उनके भी काम आ सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। अभी हम लोगों को करना क्या है, पहले ये हाथ जो है ऐसे एल्बो जो है इसके हाथ के अंदर में ऐसे डालना है और यहाँ पर हाथ रख लेना है। मतलब इस जगह के लिए हमको चाहिए तो यहाँ पर ऐसे और ये हाथ इसके अंदर में। ये होने के बाद ये जो पैर है इसके जॉइंट ऐसे, अगर ये जॉइंट में अगर आपका पैर नहीं जा रहा है तो पहले आपको ये प्रैक्टिस करना होगा। यहाँ से हटो, यहाँ से आपको पहले ये प्रैक्टिस करना होगा। ये स्किप करने वाला, यहाँ से कैसे करके हम लोग निकल सकते हैं, ये चीज़ आपको पहले प्रैक्टिस कर लेना होगा, तब आपका ये टेक्निक भी बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ से आप लोग जब आप घर में प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ से 10 बार इधर निकल गए, फिर यहाँ से आए, फिर इधर निकल गए, ये चीज़ आपको प्रैक्टिस कर लेना होगा। अभी जैसे हमको ये किया, अगर किसी कारण से मेरा पैर यहाँ तक नहीं जा पा रहा है किसी कारण से, तो हम पहले ये हाथ अंदर से, ये हाथ इधर से ले लिए और ये पैर के लिए हमको पहले इधर निकल गए ये, और फिर यहाँ से इसको पकड़ लिए और यहाँ से हमको क्या करना है, ये पैर को इधर की तरफ इस तरफ हमको धक्का मारना है, यहाँ से 1 इधर और इसके ऊपर में आ गए, फिर बूम अटैक। तो आपको करना क्या है, जब आप पैर को हाथ जब लेकर जा रहे हैं इस हाथ को क्रॉस की तरफ इधर की तरफ, इस हाथ को अपनी तरफ खींचना है और इस पैर को इधर की तरफ धक्का मारना है। चलिए आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर आए, यहाँ पर है, ये देखिए पहले हाथ कैसे घुस रहा है, ये हाथ इसके अंदर में घुसाएंगे, ये हाथ इसके अंदर में घुसाएंगे और फिर ये हाथ से इधर टालना है, ये हाथ से धक्का मारना है और इस पैर से धक्का मारना है और इस पैर को जो है ये पैर को हम लोग ट्राई करेंगे कि इधर घुस जाए तो और अच्छा है। यहाँ पर रहता है तो यहाँ पर से भी हो सकता है, लेकिन अगर इधर घुस जाता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ से हमको पहले इधर घुसाए, ये हाथ यहाँ पर लॉक किया यहाँ से, और अगर ये पैर यहाँ घुस जाता है तो अच्छा होगा। ये यहाँ से 1 ये ऑन होम ये कर सकते हैं। तो आपको एक प्रैक्टिस क्या करना है, एक तो पैर को बाहर रख के करना है, दूसरा एक पैर इसके पैर के अंदर फंसा लेना है ताकि ये अपने कंट्रोल में आ जाए और हम जिधर फेंके उधर वो जा सकता है। इसके लिए आपको हाथ में बहुत ताकत चाहिए और ये नहीं कि आप पहले हाथ डाले ऐसे किए तो इससे क्या होगा, दुश्मन निकल जा सकता है। तो आपको ये तैयार रखना है अपने आप को कि जो अटैक में जा रहे हैं फटाक से, मतलब सोचने का मौका नहीं देना। अब मैं गया यहाँ पर, बोला कि गन लेकर खड़ा हूँ कि आप तुझको तो मैं मारने वाला हूँ, ऐसा करेंगे तो नहीं होगा। गन लिया है जो फिल्मों में दिखाता है ना बॉलीवुड में कि मैं तुम्हें ऐसा मौत मारूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, वो करते करते देखते हैं कि उसकी मम्मी को लेकर आ गया कि हम लो तुमको हम कब्जा में कर लिए, बेचारा को गन फेंकना पड़ता है। उस सिचुएशन को आने मत दीजिए। अगर गन आया है आपके पास में ख़त्म, उतना सोचना नहीं, बाद में जब जो आएगा उसको देखेंगे, पहले इसको ख़त्म कर देना है। वो डायलॉग मारते मारते कहानी ख़त्म करने ही करना है। तो जब आप जा रहे हैं जैसे ही ये अटैक में जा रहे हैं यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर जैसे ही आप आए हैं यहाँ पर आपको ये क्या करना है, ये हाथ इसके पास में या शोल्डर के पास में, ये हाथ पूरा अंदर यहाँ पर और ये पैर यहाँ पर, अगर नहीं जा रहा पैर थोड़ा सा ऐसे बाहर निकलेंगे, ये पैर को यहाँ पर डालेंगे और इस पैर को इस जगह पर डालेंगे उनके पैर के पास में। डालने के बाद जब ये हाथ अंदर गया है इसको धक्का मारते हुए ये इस पैर को धक्का मारेंगे, ये हाथ को धक्का मारेंगे और फिर इधर हमको ऐसे करके ये रोल होना है उसी के साथ में, इसी के साथ में रोल होकर इसके ऊपर में चढ़ जाना,
देखते हैं कैसे करना है। ऐसे हुए, यहाँ से हम गए वन, देखिए क्या कर रहे हैं वन, ये 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 यहाँ पर, और फिर वन टाम टाम खत्म फिनिश। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है, और एक बार में करने से नहीं होगा, बढ़िया से करने के लिए बार 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 आपको प्रैक्टिस करना होगा, ताकि दुश्मन पर आप हावी हो सकें। दुश्मन पर हावी होने के लिए मैंने पहले ही बताया था कि बहुत सारा टेक्निक आपके पास होना चाहिए, तब आप दुश्मन पर हावी हो सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और कुछ नहीं बोलना था, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चाचा बाय।